आज मैं ना आप लोगों को एक हिडन टैलेंट बताने वाला हूँ। कौन सा केक बनाने वाला हूँ मैं, कौन सा स्पून यूज करना है इसमें से? इसमें तो मेड इन चाइना लिखा, किधर है? हाजी क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा सा अलग लुक है क्योंकि आज ना मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने की सोच रहा था। अब इसमें टेक्नोलॉजी तो नहीं बताऊंगा, एक एप्रन पहना है मैंने, मतलब कुछ खाने पकाने वाले चीज़ें ही करने वाले हम लोग। इनफैक्ट आज मैं ना आप लोगों को एक हिडन टैलेंट बताने वाला हूँ मेरे बारे में। हिडन इसके लिए क्योंकि काफ़ी सालों तक ये छुपा ही रहा है क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। हाँ, आज मैं बनाने वाला हूँ केक अपनी वाइफ के लिए क्योंकि उसका है आज जन्मदिन। और यार हर साल हम लोग जन्मदिन उसका मनाते हैं बाहर, कभी हम लोग चले जाते हैं फॉरेन या लोकल कहीं पर भी हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, बट इस साल तो ऑब्वियसली घर पर ही है। तो मैंने सोचा एक सरप्राइज नहीं है बिकॉज़ वो फ़िलहाल कैमरा पकड़ी हुई है और पता है कि मैं केक बना रहा हूँ, लेकिन एक सरप्राइज़ ये है कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं पहली बार उस कमरे में आ रहा हूँ कुछ बनाने के लिए जिसका नाम है किचन। तो फिलहाल बनाने वाला हूँ मैं, क्या कौन सा केक बनाने वाला हूँ मैं? मार्बल केक बनाने वाला हूँ मैं। तो फटाफट मैं आपको इसके इन्ग्रीडियंट्स बताता हूँ। तो मार्बल केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मार्बल का है, मार्बल नहीं चाहिए। मार्बल केक में मार्बल नहीं होता क्या? नहीं, वो टेक्सचर का नाम है मार्बल। तो मार्बल केक बनाने के लिए हमें मार्बल नहीं चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं बता देता हूँ आपको, और अगर मैं गलती करता हूँ तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मिक्सिंग स्पून है और कुछ मेजरिंग स्पून है, ओके। साथ में यहाँ पे ये मैदा है, ये कोको पाउडर है, ये तेल है, विनेगर यानी कि सिरका, बटर, बेकिंग सोडा, करेक्ट, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, मिल्क दूध, क्रीम और पाउडर्ड शुगर, सही। और कुछ बाउल्स हैं हमारे पास जिसमें हम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे दो मिक्सचर, पहला होगा कोको का मिक्सर, करेक्ट, और दूसरा है वनीला वाला मिक्सर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले तो यूज़ करेंगे इन स्पून्स को जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो कौन सा स्पून यूज़ करना है इसमें? सबसे बड़ा वाला जो टेबल स्पून है। ये टेबल स्पून है, उस पे लिखा है, इसमें तो मेड इन चाइना लिखा है, किधर है? ओह सॉरी, टेबल स्पून, ओके टेबल स्पून है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको लेके अभी हम लोग कोको लेंगे इसमें, पहले मैदा लेना, ठीक है। अभी मैदा मैं इसमें डालूं? मैदा सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून, ओके। इसको टेबल स्पून क्यों बोलते हैं, टेबल पे रखते हैं। इसके बाद हमें डालना है क्या, पाउडर शुगर, ये भी 3 टेबल स्पून जाएगा ना? हाँ। तो वैसे ही सेम टेक्निक, क्या आर्ट वर्क है। एक बोनस टिप आपको दे रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो पहली बार बना रहे होंगे, ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, आप मॉडर्न आर्ट बना सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक कपड़ा लेना है और अपनी वाइफ से बचने के लिए इसको साफ कर देना है, हो गया साफ। तो अभी नेक्स्ट हमें डालना है बेकिंग पाउडर, और वो भी हमें इसका इस कटोरी का आधा डालना है, ठीक है? नहीं। हाँ तो वो जो चम्मच है, हाँ, वो 1/4 है, हमने 1/16 डालना है, तो उसका 1/4। हाँ, 1/4 टीस्पून है ये, ओके। 1/4 का 1/4। 1/4 का 1/4, ओके। ये ठीक है? हाँ। कहाँ है बेकिंग सोडा? एम्प्टी कप लगेगा उसमें बहुत कम है। ओ, ओके। अभी इसमें हमें डालना है एक छोटा, एक छोटी चुटकी सिंदूर नहीं, छोटी चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इतना, ठीक है? हाँ। अभी नेक्स्ट हमें इसको मिक्स करना है, करेक्ट, ओके। ओके, मिल्क डाल दूं? तो 2 टेबल स्पून
मिल्क, इसके बाद 2 टेबलस्पून क्रीम, एक हाफ ही है क्या? ओके ठीक है, अभी 1 टेबलस्पून ऑयल ये है ना, ठीक है डाल दूँ? स्वाहा, अभी क्या लेना है? विनेगर हाफ, इसका हाफ टीस्पून का हाफ, अबे है किसना है इसमें? जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स, ठीक है इनफ इनफ, ओके ओके, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये ओके ठीक, गिरेगा ना तुझे, ओके वनीला एक्सट्रैक्ट कितना? 2-3 ड्रॉप्स, 2-3 बूंदे जिंदगी, ना ऊपर से क्यों डाल रही हूँ? सॉरी, 2 बूंद जिंदगी की रेसेंट वनीला एसेंस, थोड़ा और, ठीक है? ओके सुपर, ना मिक्स इट नाइसली। अभी क्या इसमें वो कट एंड फोल्ड मेथड कुछ करना है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ मिक्स करो। अच्छा दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े, करेक्ट? क्या ना पड़े? लम्स, गांठ, मतलब स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। करेक्ट, वेरी नाइस, बन रहा है अच्छा से। वन डायरेक्शन, सॉरी हरिवंश राय बच्चन का डायलॉग है ना, वन डायरेक्शन पे राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, एक डायरेक्शन में चलते जाओ, एक फोकस रखो मधुशाला पा जाओगे। ओके, दिस इज डन। तो अभी हमारा जो वनीला वाला था वो बन गया है, करेक्ट? और अभी हमें बनाना है कोको मिक्सचर, और मेरे हिसाब से इजी होगा बिकॉज आई जस्ट हैव टू, जितना भी बचा कुचा है उसको मिश्रण कर देना, करेक्ट? तो अभी सबसे पहले मैदा लेंगे, ठीक है? मैदे में ये पूरा डाल दूँ? थ्री टेबल स्पून, ओके डाल दो, वेस्ट मत करो, ठीक है? Put it back. उसके बाद कोको शुगर डालना, पूरा डाल दे, कोको डाल दे, ठीक है कोको पूरा डाल दूं? 1 टेबल स्पून, सब वही है, ओके। नेक्स्ट इज शुगर, कितना सारा? दैट इज 3 टेबल स्पून, पूरा डाल दूं? 3 टेबल स्पून, यू कैन यूज अ स्पून टू स्क्रेप इट। ये सारा पाउडर शुगर थोड़ा ट्रिकी है, चिपक जाता है, होली है चिपक जाता है, क्या तकलीफ हो रही है? चिपक जाता है साइड में, निकाल रहा हूँ। उसके बाद डालेंगे मिल्क, इसको पूरा ही उड़ेल देते हैं, क्रीम थोड़ा डाल देते हैं, ऑयल ये ना, ऑयल ओके, थोड़ा सा करेक्ट, ओके, एंड बटर डाला नहीं, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा नहीं डाला, बटर के जगह पे ऑयल डाला है, व्हिच मेक्स इट मोर मॉइस्ट, ये बेकिंग सोडा है, डाल दो पिंच ओके, चुटकी भर बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बस, तुम्हारी चुटकी आधी चुटकी, चुटका चुटकू थी, चुटकू, ये बेकिंग पाउडर, ये सारा डाल सकते हैं इसको, बस ओके डन, ओके वनीला एसेंस फिर से 2 बूंद जिंदगी की, नाउ मिक्स, उसी से कर सकता हूँ क्या? अब इन सबको मिक्स कर देना है, अगेन सेम डायरेक्शन ना, One direction. कैसे मिक्स करना है? In one direction. Until there are no lumps and smooth paste. घुमाते जाओ. Okay, तो अब हमारे दोनों मिक्सचर्स रेडी हैं, एक वनीला वाला है और दूसरा चॉकलेट वाला है, कोको वाला है।
अगर आपको लगता है कि आपके मिक्सचर्स थोड़े से गाढ़े हैं, थिक है, तो आप दूध डाल सकते हैं। मैंने भी थोड़ा डाला है। बेसिकली इनका जो कंसिस्टेंसी है, ऐसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए ताकि जब आप इनको मिक्स करें तो ये सही तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हमें मिक्स करना है इन दोनों मिक्सचर्स को इस बाउल में, और इसको हम लोग मिक्स करेंगे जिस मतलब तरीका मैंने इजाद किया है नाम, जिसका नाम है बिरयानी स्टाइल मिक्सिंग। यानी कि एक लेयर आपका आएगा वनीला का और दूसरा लेयर आएगा आपका चॉकलेट का। ये इस तरीके से मार्बल इफ़ेक्ट आता है, मैंने इसको नाम दिया है बिरयानी इफ़ेक्ट। और वैसे मैं जो केक बना रहा हूँ ये स्मॉल पोर्शन के लिए है, मतलब दो लोगों के लिए है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एटलीस्ट ज़्यादा गाली ना पड़ेगा और वेस्ट भी नहीं होगा चीज़ें। तो आप चाहें तो जो जो इस वीडियो में हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कितना टीस्पून और क्या क्या यूज़ करना है, उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं जितने भी लोगों के लिए आप बना रहे हैं। करेक्ट? ओके। अभी क्या करना है हमको, हमें बनना है पेंटर। पेंटर के लिए हमें लेना पड़ेगा ऐसे वाला ब्रश एक। अगर आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है तो आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको लेना है बटर, ठीक है। बटर में आपको डुबाना है अपने ब्रश को ऐसे, ओके। और खाना नहीं है, आपको अपने इस बाउल में ऐसे ग्रीस कर देना है इसको। ग्रीस इसके लिए करना है क्योंकि जब हम केक को निकालेंगे तब हमें उसके साथ कुश्ती ना लड़ना पड़े, और केक आसानी से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही अदब से बाहर आ जाए और सीधा हमारे पेट में चले जाए। तो उसको हमने कर दिया है अभी ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा ये। तो फर्स्ट हम लोग डाल रहे हैं ये वाइट वाला मिक्सर, जो वनीला वाला मिक्सर है। तो एक दो तीन सेंटर डाल दिया, और उसके सेंटर में डाल, ओके, और इसको डाल देना है इसके सेंटर में ऐसे। बस लीव इट, वो अपने आप फैलते जाएगा। ओके। तो अब हमने ये मिक्सचर डाल दिया है, एक वाइट एक चॉकलेट वाला। अब हमें देना है इसको मार्बल वाला इफेक्ट। करेक्ट? तो मार्बल वाले इफेक्ट देने के लिए हमें चाहिए एक टूथपिक और एक किचन टॉवल या टिश्यू पेपर आप ले सकते हैं। और अब आप मेरी कलाकारी देखिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरह से बाहर से सेंटर तक आना है, उसके बाद आपके टूथपिक को क्लीन करना है, उसके बाद सेंटर से बाहर चले जाना है। तो हमारा मिक्सर कुछ ऐसे लग रहा है इस डिज़ाइन के साथ। परफेक्ट नहीं है बट ठीक ठाक लग रहा है। और अब इसको हम लोग पकाएंगे। हम डालने वाले हैं इसको माइक्रोवेव में। करेक्ट? और माइक्रोवेव में इसको हम लोग रख देंगे 4 मिनट तक। और होपफुली 4 मिनट के बाद हमें देखने को मिलेगा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मार्बल केक। तो 4 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। अभी टेस्ट करते हैं इसको। टेस्ट करने के लिए हम लेंगे एक टूथपिक और उसमें हम तो अगर आपका टूथपिक पूरा क्लीन आता है तो इसका मतलब आपका केक सही तरीके से बन गया है। तो कैसा था एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम कुकिंग और बेकिंग? या सो एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ऑसम था। मेरी जो थियोरी है कुकिंग के बारे में या बेकिंग के बारे में, हमेशा थियोरी मेरी सही रहती है, मेरे को प्रैक्टिकल करना नहीं आता है। बट ऑब्वियसली आज किया मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मैंने अपनी वाइफ के लिए किया तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बाहर जाते हैं, इस बार कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक मन में वो था कि यार डे को स्पेशल करना है। तो आई थिंक अभी दिखने में तो सही लग रहा है, टेस्ट चेक करना पड़ेगा। और जो भी हमने टेस्टिंग की वो भी ठीक है। तो इसको फटाफट हम लोग डेकोरेट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके फाइनल फोटोग्राफ्स। और जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था
कि प्लीज़ कमेंट्स में बताओ यार कि ऐसे वाले कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं। ज़्यादा करके मैं टेक वाले वीडियोस बनाता हूँ, ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ, तो अगर आपको ऐसे वाले कंटेंट पसंद हैं तो बताना। लॉकडाउन है, टाइम ही टाइम है, कर सकते हैं आप लोग के लिए। तो फटाफट इसको अभी डेकोरेट करते हैं और लुत्फ उठाते हैं मार्बल केक का। लुत्फ, इट इज़ लुत्फ, लुत्फ नहीं भाई, लुत्फ। चलो